Today we will solve NSO class 3 question paper. Now in the first question, find the mirror image of the given figure. The figure is this. It is a beer, face of a beer. Now when the image in a mirror is laterally inverted, so that means from left to right and right to left, means this the eyes of this bear, which is black and red, left side will turn black at right side. Now the option is A. Now on second question, which of the following words cannot be formed from the letter of the given words? इसमें से इंट्रोडक्शन लिखा है, इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो इंट्रोडक्शन मतलब इंट्रोडक्शन से ना उसमें ना हो लेटर? तो पहला है राउंड, इसमें आर भी है, ओ भी है, यू भी है, एन भी है और डी भी है, तो राउंड तो नहीं हो सकता. फिर इडियट, इसमें आई भी है, डी भी है, आई भी है, ओ भी है और टी भी है, ये भी हो जाएगा. ड्रेन नहीं है क्योंकि इसमें डी भी है, आर भी है बट ए नहीं है, तो ड्रेन होगा करेक्ट आंसर. फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 में की तरफ चलते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस, जो उसमें से सही है उसको सिलेक्ट करना है. तो नंबर ऑफ द सर्कल 4, क्या इसमें 4 सर्कल है इस फिगर में? 1 2 3 4 एंड इसमें 5, तो ये गलत हो गया. फिर सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं. नंबर ऑफ स्क्वायर्स 5, 1 2 3 4 एंड 5, ये सही है तो ये आंसर होगा करेक्ट. फिर क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं. इफ क्यूबॉइड मीन्स बॉल, बॉल मीन्स क्यूब, क्यूब मीन्स कोन एंड कोन मीन्स क्यूब सिलेंडर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ट्रायंगुलर फेस? ट्रायंगुलर फेस कोन के पास होता है और जो कोन होता है उसको सिलेंडर कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा सी. क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं. फाइंड द मिसिंग फिगर. सबसे पहले इसमें मून है, फिर स्टार है, फिर अपसाइड एरो है, फिर प्लस का सिंबल है, फिर एक फ्लावर है, फिर इस सीरीज में वापस से ये मून आ गया, तो इसके बाद था स्टार, तो यहाँ पे होगा स्टार. स्टार इन दो ऑप्शन में, तो इन दोनों में से कोई होगा. बाद में फिर आता है फिर अप की एरो, फिर अप एरो, फिर प्लस साइन, फिर फ्लावर, फिर मून, फिर स्टार, फिर एरो, फिर उसके बाद क्या होता था? प्लस का साइन, तो इसका आंसर होगा सी. अब 6th क्वेश्चन है. सिलेक्ट द ऑप्शन विच कंटेन्स ओनली इंडोर एक्टिविटीज. हमें इसमें से ऑप्शन सिलेक्ट करना है जिसमें सिर्फ इंडोर गेम्स हो. लूडो, कैरम, फुटबॉल, फुटबॉल इज नॉट. पोलो, क्रिकेट, फुटबॉल, दीज ऑल आर आउटडोर. कैरम, चेस एंड हॉर्स राइडिंग, हॉर्स राइडिंग इज आउटडोर गेम. लूडो, चेस एंड बिलियर्ड आर इंडोर एक्टिविटीज, सो the option number B is correct. Now question number 7. We can have a protein rich diet if we increase the amount of dash in our diet. Milk also give us protein, fish also give us protein, but mango doesn't. Mango give carbohydrate. Now the answer will be both A and B. Now question number 8. A rock X is very hard to break, while Y can easily be powdered by crushing with hands. Select the correct option regarding X and Y. तो X ऐसा पत्थर है जो 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 बहुत हार्ड है तोड़ने के लिए, और जो Y ऐसा पत्थर है जिसको हम हाथ से दबाते ही वो पाउडर बन जाता है. तो पहला ऑप्शन कह रहा है एक्स इज
Granite. Granite is also hard. And Y is a chalk. Means this answer is correct because chalk can be powdered easily. Now, question number 9. Dash eats its food in the same way as the animal shown here. आपको ऐसा एनिमल टिक करना है जो रैबिट की तरह खाता हो. इस पिक्चर में जो एनिमल बना है उसकी तरह खाता हो. काऊ भी नहीं खाती, तो इसका सही आंसर होगा माउस, ऑप्शन नंबर ए. फिर ऑप्शन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज किल्ड टू ऑब्टेन फाइबर फ्रॉम इट. इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको मार के ही हम फाइबर ऑब्टेन कर सकते हैं. शीप से, शीप का बाहरी निकाल देंगे तो फाइबर हो जाएगा. कॉटन को ऊपर से तोड़ लेंगे तो फाइबर हो जाएगा. कोकोनट के साइड वाला निकाल लेंगे तो फाइबर हो जाएगा. तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज. हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 भी चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द गिवन पिक्चर मैप. इस पिक्चर के हिसाब से करेक्ट ऑप्शन चुनना है हमें. हॉस्पिटल इज एट नॉर्थ टू स्कूल. हॉस्पिटल जो है वो स्कूल के नॉर्थ में, तो स्कूल ये है, नॉर्थ डायरेक्शन अप है, तो हमें पहले डायरेक्शन बनाना पड़ेगा. नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, क्योंकि इसमें सिर्फ हमें नॉर्थ दिया हुआ है, उसके बाद का हम डायरेक्शन खुद से निकाल सकते हैं. तो स्कूल के वो नॉर्थ में तो नहीं है, तो पहला ऑप्शन रॉन्ग हो गया. दूसरा ऑप्शन है स्कूल इज एट नॉर्थ ईस्ट टू द पोस्ट ऑफिस. पोस्ट ऑफिस के नॉर्थ ईस्ट में, मतलब नॉर्थ उसका इधर है, ईस्ट इधर है, उसके बीच में है, तो ये नॉर्थ ईस्ट. तो बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. यू मे यूज अ डैश टू क्रॉस अ रोड. ज़ेब्रा क्रॉसिंग भी यूज करेंगे, सबवे भी यूज कर सकते हैं और फुट ओवर ब्रिज भी यूज करते हैं. तो इसमें कहेंगे एनी ऑफ दीज करेक्ट आंसर होगा. फिर क्वेश्चन नंबर 13. एन ऑब्जेक्ट शेडो इज शॉर्टेस्ट एट नून. क्योंकि नून में अगर ये आदमी है तो इसके सर पे जब सन होगा तो उसकी शेडो डायरेक्ट नीचे बनेगी, तो एकदम शॉर्टेस्ट शेडो बनेगी. फिर क्वेश्चन नंबर 14. नोमैड्स लिव इन. नोमैड्स एक टाइप ऑफ ग्रुप होता है आदमियों का, तो एक कल्चर मान लेते हैं, तो वो टेंट में रहते हैं. इसका करेक्ट आंसर होगा बी. फिर क्वेश्चन नंबर 15. रिफर टू द स्टेटमेंट गिवन बाय थ्री चिल्ड्रन. फाइंड आउट वन हु गेव एज इनकरेक्ट स्टेटमेंट. इन तीन बच्चों ने कुछ बोला है, इनमें से हमें निकालना है कि किसका इनकरेक्ट है. तो सुशांत बोलता है यस्टरडे आई ब्रॉट अ यमी केक फॉर माई ब्रदर स्पार्ट अ बर्थडे पार्टी. दिस ग्रॉसर्स इज रियली गुड. तो क्या एक केक कोई ग्रॉसर्स तो नहीं देता, केक तो बेकरी देता है, तो ये गलत हो गया. रवि यू शुड विजिट द स्टेशनरी इन माई सोसाइटी. ही सेल्स सम ऑसम स्नैक्स. तो स्नैक्स कोई स्टेशनरी वाला थोड़ी कोई देगा, वो तो ऑसम स्नैक्स तो बेकरी देगा, तो इसका भी रॉन्ग है. द प्लम्बर हैज डन हिज वर्क वेल. ही हैज मेड नाइस पीस ऑफ फर्नीचर. फर्नीचर तो कारपेंटर बनाता है, प्लम्बर नहीं, तो इसका भी गलत होगा. तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज. क्वेश्चन नंबर 16. नेहा गॉट हर्ट एज ही स्पिल्स ऑन अ बनाना पील. She did not use her sense of dash very well. नेहा को चोट लग गई क्योंकि वो एक बनाना पील पे फिसल गई थी. तो उसने कौन सा अपना सेंस ऑर्गन अच्छी तरह से यूज नहीं किया. हियरिंग, इसमें बनाना पील चल थोड़ी रहा है कि हम उसको सुन सकते हैं, नहीं हम उसे टेस्ट कर सकते क्योंकि वो पैर के नीचे था, हम लोग देख सकते थे. तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी.
Now question number 17. Select the incorrect match out of the following. हमें इसमें से गलत गलत ऑप्शन निकालना है. डॉक्टर क्लिनिक पे रहता है, ये आंसर सही है. एयर होस्टेस एयरपोर्ट पे रहती है, ये भी सही है. कंडक्टर बस स्टैंड पे रहता है, ये भी सही है. बट गोल्डस्मिथ रेलवे स्टेशन पे क्या करेगा? दिस इज रॉन्ग. तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी. क्वेश्चन नंबर 18. द ऑब्जेक्ट शोन हियर डज नॉट कास्ट शेडो. इट्स मोस्ट लाइकली टू मेड अप ऑफ मटीरियल एक्स. एक्स कुड बी, जो ये ऑब्जेक्ट है वो उसकी कोई शेडो नहीं बन रही. जब सन से जब लाइट आती है तो ये कोई शेडो कास्ट नहीं कर रहा है, पूरी लाइट पार जाने दे रहा है. मतलब इससे हमें पता चल जा रहा है कि वो ट्रांसपेरेंट है. तो ट्रांसपेरेंट क्या चीज़ होती है? सिरेमिक तो कभी ट्रांसपेरेंट होगी नहीं, मेटल ट्रांसपेरेंट होगी नहीं. फर्स्ट क्लास में थोड़ा थोड़ा शेडो बनती है, तो ये भी नहीं हो सकती. क्लियर प्लास्टिक शीट में बिल्कुल शेडो नहीं बनती. तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी. क्वेश्चन नंबर 19. मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आर ऑफ थ्री टाइप्स, लैंड वाटर एंड एयर. सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इंक्लूड्स वन एग्जाम्पल फ्रॉम ईच टाइप. तो हमें एक ऑप्शन देखना है जिसमें पहला हो लैंड से रिलेटेड, दूसरा हो वाटर और तीसरा हो एयर से. तो ग्लाइडर तो डायरेक्ट एयर में जाता है, तो ये पहले गलत हो गया. बी क्या बोले? बोट. बोट तो लैंड में नहीं चलती, तो ये गलत हो गया. सी में बस लैंड में चलती है, बोट वाटर में चलती है, हेलीकॉप्टर एयर में चलता है. तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी. फिर क्वेश्चन नंबर 20. द स्टेम जूस ऑफ दिस प्लांट ऑफ द प्लांट शोन हियर इज यूज्ड टू मेक डैश रबर गम शुगर और कुकिंग ऑयल. शुगर केन के जो स्टेम से जो जूस निकाला जाता है उससे शुगर बनता है. तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी. क्वेश्चन नंबर 21. रेफर टू द गिवन डायग्राम एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग इट. इसमें बोला है कि जो एक्स है वो फ्लेक्सिबल है, जेड है वाटर प्रूफ है, और वाई फ्लेक्सिबल भी है वाटर प्रूफ है. तो इसका आंसर होगा डी. जेड ग्लास होगी, ग्लास हमेशा वाटर प्रूफ होती है, और एक्स पेपर होगा, फ्लेक्सिबल जो होगा. फिर क्वेश्चन नंबर 22. क्वेश्चन नंबर 22. आई एम अ लिटिल किड, आई विल ग्रो अप टू बिकम अ. किसके बच्चे को किड कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए. नाउ क्वेश्चन नंबर 23. अ रोटेशन ऑफ अर्थ कंप्लीट्स इन डैश एंड कॉजेस डैश 24 आवर्स एंड डे एंड नाइट. तो रोटेशन मतलब अपनी एक्सिस पे घूमना. तो अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमती है और 24 आवर्स, और ये कॉज करता है ये कॉज करता है डे एंड नाइट रेवोल्यूशन. वो भी आपके दिमाग में आपने सुना होगा. तो रेवोल्यूशन ये होता है कि किसी सन के चारों तरफ घूमती है जब अर्थ, उसे रेवोल्यूशन कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 24. रवि stepped on a nail and jumped back at once. How did the information travel in his body? तो जो उसका नेल था वो स्किन पे टच हुआ, तो सबसे पहले स्किन होगा. तो स्किन ए और डी में है, तो इन्हीं दोनों में से होगा. फिर उसके बाद नर्व्स में जाएगा, नर्व से स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में नहीं जाके, क्योंकि ये इसको तुरंत एक्ट लेना है, तो ये डायरेक्ट नर्व्स पे आ जाएगा और स्पाइनल कॉर्ड खुद ही डिसीजन ले लेगा. और नर्व्स पे जाके फिर लेग मसल पे आ जाएगा कि वो तुरंत हटा ले. फिर क्वेश्चन नंबर 20. नाउ क्वेश्चन नंबर 25. अनस्क्रैम्बल द लेटर गिवन इन द बॉक्स टू गेट द नेम ऑफ एन एनिमल. नाउ सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग दिस एनिमल. तो इसको अनस्क्रैम्बल करेंगे तो एस क्यू यू आई आर आर ई एल होगा, इसका मतलब स्क्वेरल होगा. तो इट कैचेस इट्स प्रे विद द हेल्प ऑफ अ लॉन्ग स्टिकी टंग. नो, स्क्वेरल के पास लॉन्ग स्टिकी टंग तो नहीं होती.
इट सक्स द ब्लड्स ऑफ अदर एनिमल, ये भी नहीं। इट्स रिगल ऑन ग्राउंड, ये भी नहीं। इट ईट्स इट फूड इन अ सिमिलर मैनर एज हैमस्टर, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व द चेंज ऑफ द स्टेट फ्रॉम अ लिक्विड टू सॉलिड। ए मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब्स, नो। ड्राइंग ऑफ वेट क्लोथ्स, नो। फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर्स, नो, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 27, एयर वी ब्रीथ इन इंटर्स आवर बॉडी थ्रू नोज, देन इट इंटर्स फर्स्ट इनटू द विंड पाइप एंड देन लंग्स, इट कम्स आउट थ्रू नोज। टू नो मोर अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम वॉच आवर प्रीवियस वीडियो। क्वेश्चन नंबर 28, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन्स ओनली कुकिंग मेथड। रोस्टिंग, बॉइलिंग एंड पिकलिंग, नो। स्टीमिंग, ग्रिलिंग, कैनिंग, नो। रोस्टिंग, स्टीमिंग एंड ग्रिलिंग, दिस इज द करेक्ट। 29th, given foot may belong to the foot which is present in this picture is of which bird? The correct answer is eagle. Question number 30, clothes are made from X, which turn is made from Y. We get Y from Z. So clothes are made up from fabric, which turn it made from fiber, we get fiber from plants and animals. The correct option is C. Question number 31, Neetu took equal amount of water of three types of soil X, Y and Z in three different beakers. Then she poured 100 ml of water in each beaker. The results obtained after some time are shown below. Now select the incorrect option regarding this. Soil X is most suitable for making pots. This is the incorrect sentence. Now question number 32. Refer to given setup and answer the following questions. X, what will be the shape of the shadow obtained? Y, how can we get a triangular shadow? The correct answer is option number B. The answer to Y, question number Y, is by placing a larger triangular steel plate. And the shadow form will be like this. Question number 33. Refer to the given figure of digestive system and select the incorrect option. To know more about digestive system, watch our previous video on digestive system. The correct answer will be B. If Q is replaced with R, the nutrient will not able to absorb at all in the body. Question number 34. Which of the following mouth symbol should one look for regarding the given situation? 1. Your friend got badly hurt on the way to educational trip. 2. You are in some isolated part of the village and feeling thirsty. Your car is running out of petrol. In the first case, we have to see the symbol of this because this is a symbol of hospital. Second, symbol should be like this, means this area contains water. And third symbol will be like this petrol pump, that the petrol pump is near. Now, the last question. The given graph shows the temperature change during
food preservation method. Identify it and select the correct option. The answer will none of these. Because this graph shows that when the time increases, the temperature decreases, means the temperature gets colder. In this, none of this is correct. Thanks for watching. Like, share and subscribe.